नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। यूपी में एंट्री के लिए अब कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट का होना जरूरी होगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये निर्देश जारी किया है। ऐसे में आप किसी भी दूसरे राज्य से जब भी यूपी में आना होगा तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट का साथ होना अनिवार्य रहेगा। यूपी में कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही दूसरे राज्यों से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस बीच कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन राज्यों में 3% से अधिक कोरोना पॉजिटिविटी की दर होगी, उन राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज प्राप्त कर ली हैं, उन्हें छूट दी जाए। 4 दिन से अधिक पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी और कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट के बाद ही यूपी में एंट्री मिलेगी। रेल, सड़क, वायु मार्ग से आने वालों पर यह नियम लागू होगा। सीएम योगी ने अपनी सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी वर्तमान में नियंत्रण स्थिति में है, लेकिन इसके प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। राज्य सरकार की ट्रस्ट एंड ट्रीट की नीति से प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में आशानुकूल तेजी से कमी आई है। कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर में लगातार कमी तथा रिकवरी दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। कोरोना से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि रेलवे, बस स्टेशन और हवाई अड्डों पर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 69 संक्रमित व्यक्तियों को सफल उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया है। अभी यूपी में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1,262 है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कुल 2,54,771 कोरोना टेस्ट किए गए। राज्य में अब तक 6,23,71,542 कोरोना टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.6% है। यूपी में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अब राज्य में 4,03,52,000 से अधिक कोविड वैक्सीन लगाए जा चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को सतत जागरूक किया जाए, टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का राज्य में सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इंफ्रारेड थर्मामीटर के जरिए भी व्यापक स्क्रीनिंग पर जोर देना होगा। अभी के लिए सीएम योगी की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में एक SOP भी जारी किया जाएगा। यूपी में योगी सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से जमकर मुकाबला किया। सीएम योगी के कोरोना को लेकर किए गए कामों की पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई है। वहीं अब कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।